Hello. Good afternoon. And good afternoon to my audience also, who will be there on YouTube channel. See, today's topic is very close to my heart. Because even I was looking for something from many years, and we all have one question. We always ask, Sukh kya hai? Khushi kya hai? Mere life ka purpose kya hai? And इसी चीज में हम लोग बहुत सारे सालों तक घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कि भाई क्या होगा करके. एक्चुअली हमारी फिलॉसफी में है, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं और उसके ऊपर हमने देखा तो कई चीजें, लेकिन फिर भी हमको उस चीज की डेप्थ तक हम लोग नहीं जा पा रहे हैं. और जब हम उसकी डेप्थ तक जाते हैं तब पता चलता है कितनी आसान सी चीज थी, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको बहुत कॉम्प्लिकेट बना के घूमते रहते हैं कि हमारी लाइफ में खुशी कहाँ होगी, व्हाट विल बी पर्पस ऑफ माय लाइफ. सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल ये है आज की तारीख में. लोग यही बोलते हैं मेरा पर्पस क्या है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, लेकिन बहुत कम लोग उस पॉइंट तक पहुंच पाते हैं. आज मैं कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों से बात करूंगा एंड कैसे हम लोग हेल्दी, लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ जी सकते हैं उस पर बात करेंगे. तो आप लोग हेल्दी, लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ में इंटरेस्टेड है? ऑब्वियसली. हेल्दी चाहिए, उसके साथ में हैप्पी भी चाहिए और उसके साथ साथ लॉन्ग लाइफ भी चाहिए, है ना. तो हम उसके ऊपर बात करेंगे. सबसे पहले तो हम हेल्थ समझते हैं. व्हाट इज हेल्थ सर? आप बताएंगे, आप लोग फार्मा से भी हैं. व्हाट इज हेल्थ? हाँ हाँ, यस, वेलबींग, यस, WHO डेफिनेशन, यस. Yes, it's not merely an absence of disease. It is has to do with total physical, mental, emotional, social, interpersonal, financial, so many aspects. Exactly. तो ये सारी चीजें आपके लाइफ में होती है तब आप हेल्दी गिने जाते हो. ऐसा नहीं कि आप खाली फिजिकली हेल्दी हो तो आप हेल्दी रहेंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. फिजिकल हेल्थ इज जस्ट वन पार्ट ऑफ योर हेल्थ. तो उसमें सोशल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, ऑल डिफरेंट हेल्थ कम्स इन. तो हम उसको बात करेंगे. और हमारे हिंदी में भी कहा जाता है सात सुख, सातों सुख की बात करते हैं हम लोग. व्हाट आर दोस सातों सुख? हाँ, सातों सुख जो बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि भाई हमारी लाइफ में सातों सुख होना चाहिए. तो व्हाट आर दो सातों सुख? मैं आपको सीधा बताता हूँ. यस, मेंटल पीस इज देयर, है ना. पहला जो सुख है वो है निरोगी काया, दैट इज फिजिकल हेल्थ. दूजा सुख है थोड़ी माया, थोड़ा सा पैसा, अच्छा खासा पैसा. थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि एक खर्चा निकले तो दूसरा बाकी रह जाए, थोड़ी माया. तीसरा सुख होता है पतिव्रता नारी. अभी वो पतिव्रता नारी का मतलब ये हो गया स्पाउस ले लेते हैं हम लोग कि भाई एक दूसरे के प्रति जो आदरण हो तो दोनों वो स्पाउस हो गए. एंड तीसरा जो होता है पुत्र आज्ञाकारी, हमारी जो संतान है वो हमारी बातों को माने, हमको सम्मान दे, ये पुत्र आज्ञाकारी. चौथा जो सुख है वो है सुंदर वास, अपना जो घर है वो खूब, जहां पे हम निवास कर रहे हैं वो अच्छा खासा होना चाहिए. दूसरा एक होता है कि भी पड़ोसी आपका अच्छा होना चाहिए, योर नेबर शुड बी वेरी गुड. और मित्र घनेरे, मतलब बहुत सारे आपके अच्छे दोस्त हो जिनके साथ में आप समय व्यतीत कर सके, आप उनके साथ में टाइम गुजार सके. तो ये हो गया मित्र घनेरे. हाँ, और उसके बाद में एक ये आता है कि संतोषी सदा सुखी. तो संतोष, अब संतोष का मतलब ये नहीं कि अपने को कुछ करना नहीं जैसे बैठा है, वैसा नहीं. संतोषी इन द सेंस कि आपने अपने एफर्ट्स डाले, उसके बाद में जो चीज मिलती है उसके साथ में आप उसको एक्सेप्ट करो. दूसरी चीज संतोष होनी चाहिए हमको खाने में, लालच में, ये सारी चीजों में. काम करने में संतोष नहीं करना कभी. तो वो चीज को हम बोलते हैं सातों सुख. ये सातों सुख आपकी लाइफ में है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है, आपकी लाइफ बहुत लॉन्ग चलती है, बहुत लंबी चलती है.
क्योंकि आप देखेंगे इनमें से जब कुछ मिस होता है तभी हमको होता है कुछ चैलेंज आता है. तो व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ हेल्थ डिजीज अश्विन भाई? सबसे बड़ा जो चैलेंज है लाइफ में आज की तारीख में, बहुत सारे सर्वे किए गए हैं, वो सारे चीजों का एक ही जड़ आता है, वो होता है स्ट्रेस, तनाव. हमारी लाइफ में तनाव क्यों आता है? मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी लाइफ में तनाव इसलिए आता है, आइदर वी आर नॉट हेल्दी फिजिकली और फाइनेंशियली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. घर में अगर कोई भी झगड़े वगैरह हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? 90% ऑफ दी, और आई कैन से मोर देन 95% ऑफ दी जो डोमेस्टिक इश्यूज है वो फाइनेंस को लेके चलते हैं. 5% इज डिफरेंट बाकी फाइनेंशियल चैलेंजेस के लिए. पत्नी आज्ञाकारी इसलिए नहीं होती है, क्यों? क्योंकि या तो हम उसकी कोई डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उसको जो चाहिए वो नहीं दे पा रहे. अगर हम उसको अच्छे से, हम स्वयं हेल्दी रहें और फाइनेंशियली उसको सपोर्ट कर सकते हैं तो अपने आप आगे कर ही रहेगी या एक दूसरे को इस तरह से सपोर्ट कर. तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि क्या होता है. नाउ सो स्ट्रेस इज बिगेस्ट चैलेंज. अब ये स्ट्रेस क्यों आता है, उसके पीछे रीजन है, तो उस रीजन को हम समझेंगे बहुत सारी चीजों के जरिए. उसमें से एक जो चीज है इकिगाई. अब मैंने आप लोगों से पहले बोला था कि हमारे बहुत सारे ट्रेडिशनल वो है और बहुत सारी चीजों के जरिए हम लोग कोशिश करते रहते कि पता करें क्या मेरा पर्पस है, क्या मेरे लाइफ का पर्पस है. और ये जो चीज है इसी के पीछे बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं. कई लोग खाली बोलते हैं पैशन को फॉलो करो, फॉलो योर पैशन. आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं दे ऑलवेज टॉक अबाउट फॉलो योर पैशन. बट क्या सिर्फ पैशन से आपको पीस मिलता है? नहीं. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल एंड वेरी क्लोज टू रियलिटी लगता है कि हाँ इस चीज कॉन्सेप्ट से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी. एंड इट्स नॉट आज का कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है. देयर इज अ जापान के पास एक ओकिनावा करके आइलैंड है, ओकिनावा. ओकिनावा आइलैंड में सबसे ज्यादा 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग है, जो हेल्दी है, हैप्पी है, एक्टिव है, ऐसे लोग 100+ ईयर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा. तो ये जो ऑथर है, इकिगाई करके एक बुक भी आया है, उसके ऑथर ने ये बुक किया, उनके ऊपर काफी रिसर्च किए उन्होंने और उन्होंने ये बुक लिखी है. बट कॉन्सेप्ट इज सेम. तो उन्होंने वही बताया कि जब उन्होंने बहुत सारे 100 से ज्यादा जो लोग हैं जो 100 साल से ज्यादा जी रहे हैं, ऐसे लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया और उन्होंने वो पाया कि आप इतना 100 साल कैसे जी रहे हो. तब उन्होंने बताया कि वी फॉलो इकिगाई. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इकिगाई. ठीक है, तो इकिगाई करके लिए आपके पास 4 चीजें समझनी पड़ेगी कि आप जो भी करते हैं उसमें 4 अलग अलग चीजें हैं. अब जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग बोलते हैं पैशन को, सिर्फ पैशन से नहीं होता. कुछ लोग बोलते हैं लाइफ का कुछ मिशन होना चाहिए, बट सिर्फ मिशन से कुछ नहीं होता. तो हम उन सारी चीजों को समझेंगे, व्हाट इज पैशन, व्हाट इज मिशन. तो सबसे पहले एक ऐसा चीज होना चाहिए. एग्जैक्टली, डू वॉट यू लव इज वन थिंग, लेकिन सिर्फ वो ही पूरा नहीं होता. आपको पसंद है लेकिन उसके बाद में उसके आगे के भी कुछ है. तो वो इकिगाई जो है ना उस चीज को कंप्लीट करता है. डू वॉट यू लव इज गुड, आपके अपने लिए बहुत अच्छी चीज हो सकती है वो, बट वो इकिगाई नहीं हो सकता. ओके, तो हम उस चीज को कॉन्सेप्ट को समझते हैं. ये ऐसे 4 सर्कल बनाते हैं. प्लीज एक्सक्यूज माय ड्राइंग. अभी इस तरह के 4 सर्कल है. तो पहला जो चीज है, एज यू सेड, डू व्हाट यू, सॉरी, व्हाट यू लव. आप वो काम करें जिसको आप पसंद करते हैं, व्हाट यू लव. अब वो बहुत सारी चीज हो सकती है, आपका म्यूजिक हो सकता है, आपका खाना बनाना हो सकता है, आपका एक्सरसाइज करना हो सकता है,
कुछ भी व्हाट यू लव, बट सिर्फ व्हाट यू लव से काम नहीं होता है. तो उसके बाद में वहां पे क्या जाता है, यहां पे वर्ल्ड नीड दैट. आपको पसंद है और दुनिया को भी उसकी जरूरत होनी चाहिए. वर्ल्ड शुड नीड दैट. आपकी जो पसंद की चीज है उससे आप दुनिया का कोई ना कोई इश्यू सॉल्व कर रहे हैं. देन यू शुड गेट पेड फॉर इट. यू शुड गेट पेड फॉर इट. उसकी आपको वैल्यू मिलनी चाहिए, फाइनेंशियल वैल्यू आनी चाहिए उसका. कुछ ना कुछ आप कहीं अगर किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो उसके सामने उसको आपको फाइनेंशियली कुछ कॉम्पनसेशन आना चाहिए, है ना, रिवॉर्ड आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए. एंड देन यू शुड बी गुड एट. गुड एट इट. आपको वो जो चीज है उसके अंदर एक्सपर्ट होना पड़ेगा, है ना. जो भी चीज है उसके अंदर आपको उसका नॉलेज है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स है वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए. यू शुड बी अबव अदर्स, बोलते हैं ना, कंपटीशन से थोड़ा सा ऊपर आपको होना चाहिए. देन ओनली यू विल. और ये जब चारों पॉइंट यहां पे मिलते हैं, आप देखेंगे दिस पॉइंट जो है, ये सारे जो मिलते हैं वो यहां पे मिल रहे हैं. तो ये है आपका इकिगाई. अभी आपने, हम जैसे बात कर रहे थे, ये यू आर गुड एट इट एंड यू लव इट, तो दिस कैन बी योर पैशन. तो ये हो गया आपका पैशन. बट आपको दुनिया को उसकी जरूरत नहीं है एंड यू आर नॉट गेट पेड फॉर इट, तो उसका कोई मतलब नहीं है. तो इट्स नॉट इकिगाई. ये पैशन है, आप करते रहेंगे लेकिन थोड़े दिनों के बाद में आपको छोड़ना पड़ेगा, या तो घर वाले छोड़वा देंगे, है ना. उसके बाद में दूसरी चीज होती है, यू लव इट, वर्ल्ड नीड इट. कुछ ऐसा काम है जैसे बहुत सारे लोग करते हैं ना, बट उसमें ना उनको कुछ पैसा मिल रहा होता है और वो उसमें बहुत अच्छे भी नहीं रहते, लेकिन उनकी एक अंदर से इच्छा होती है कि मैं कुछ करूं, मैं दुनिया के लिए कुछ करूं. वॉलंटरी वर्क वगैरह करते रहते हैं, लेकिन वो भी थोड़े दिन चलता है. दैट कैन बी योर मिशन. इट्स योर मिशन. वो हमारे हिंदी में कहावत है, थोड़े दिन करते रहेंगे उसके बाद में क्या होएगा, बोले भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला. तो लोग क्या करेंगे, थोड़े दिन तक उस चीज को फॉलो करेंगे थोड़े दिन करना, लेकिन बाद में काम नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगेन स्ट्रेस जनरेट होगा, फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है, और उसको ही इज नॉट गुड एट ऑल्सो, तो उसको चैलेंज आएगा. देन थर्ड थिंग इज वर्ल्ड नीड दैट एंड यू आर पेड फॉर इट. दैट कैन बी योर वोकेशन. बहुत सारे वोकेशनल कोर्स होते हैं ना, उनका एक ही पर्पज होता है, भाई हाथ का कला सीख लो तो भूखा नहीं मरेगा, बाकी लाइफ में खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी, हाँ नहीं होगा, वही चीज है भाई. ये हाथ की थोड़ा सा हाथ का हुनर सीख ले तो कम से कम भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि दुनिया को तो चाहिए. दैट विल कम हियर. तो वो चीज हो गया. एंड दूसरा, आप किसी चीज को थोड़ा सा अच्छे से कर रहे हो एंड यू आर गेट पेड फॉर इट. So you, that will be your profession. ये you are doing, आपने मेहनत करके कुछ स्किल सीखी है, कुछ डिग्रीज यहां ले ली, कुछ सब कुछ किया, एंड देन यू आर गेट पेड फॉर वेल. आप वेल पेड हो, लेकिन क्या होगा, वो प्रोफेशन तो हो गया बट यू आर नॉट लविंग इट. एंड इफ यू आर नॉट लविंग इट,
कहीं ना कहीं वो emptiness आ जाता है, कहीं ना कहीं वो stress होता है. इसीलिए आज क्या हो रहा है, बड़े बड़े corporates में ऊपर के level पे जो लोग काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए, उनको भी क्या चैलेंज है, दे आर नॉट इनटू देयर इकीगाई. और जब वो अपनी इकीगाई में नहीं है तो उनको क्या चैलेंज आ रहा है, स्ट्रेस. दैट्स व्हाई दे हैव सम, कोई हार्ट डिजीज लेके बैठा है, कोई डिफरेंट डिफरेंट डिजीज होता है आजकल, ओसीडी वगैरह का होता है, लाइफस्टाइल डिजीज हो गई, ओबेस हो गए सारे. तो ये सारी चीजें जो है वो चीज होगी. तो इन चारों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तब आपका इकीगाई होगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको इकीगाई फाउंड करना है. अगर आपको ऑलरेडी ये चारों पता है तो ठीक है. अभी इस चीज को आप एक इमेजिन करके देखिए, एज अ मेटाफोरिकली अगर हम देखें कि एक रथ है, चैरियट, उसमें चार घोड़े लगे हुए हैं और चारों अलग अलग दिशा में लगे हुए हैं, और वो चारों बहुत अच्छे हैं, मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, और वो भाग रहे हैं, क्या होगा उस रथ का, वो उधर ही अटका रहेगा, उधर ही खड़ा रहेगा. बट अगर वही चारों घोड़ों को हम एक दिशा में बांध दें और उसके बाद में वो घोड़ा उसको हम डायरेक्शन दे देते हैं, तो क्या होगा, दौड़ेगा, बहुत स्पीड से दौड़ेगा. मतलब आपको अपनी मंजिल पर कब जितनी फास्ट पहुंचाएगा एंड उसको आप एंजॉय भी करोगे. तो वही चीज होती है, आज हम लाइफ में एक जगह पे भले पैसे कमा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक स्टक सिचुएशन में आ गए. रीजन दिस कि हमारा पैशन कहीं और है, हमारा मिशन कहीं और है, हमारा प्रोफेशन कहीं और है. तो अगर हम उन चीजों को धीरे धीरे करके करते हैं, एक ही डायरेक्शन में ले आते हैं, इट्स अ डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल. और जैपनीज लोगों ने उस चीज को ये किया है. और क्या इकीगाई मिलना आसान है, नहीं, इकीगाई मिलना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन है तो नामुमकिन भी नहीं है. इट टेक्स टाइम. तो अगर आपको नहीं मिला है कोई बात नहीं, अभी भी आप सर्च कर सकते हैं. यू कैन क्रिएट सिचुएशन, वेरी ट्रू. अब इसमें एक चीज होती है, आपको स्टार्ट कहां से करना है. हाँ, तो आपको स्टार्ट करना है. अभी जैसे हम अपना कुछ ना कुछ जॉब कर रहे हैं या कुछ प्रोफेशन में है, तो पहले आप वो जो कर रहे हैं उसको करते रहिए. बिकॉज इकीगाई मिलने, तो इकीगाई मिलने में हो सकता है आपको महीना जाए, छह महीना जाए, साल जाए, कुछ भी समय लग सकता है. हाँ, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यू टू स्टार्ट व्हाट यू आर गुड एट. क्योंकि अगर ये नहीं है, बाकी चीजें हैं और ये नहीं है, और आपने उस चीज को में फुल टाइम आ गए हो, तो आप कभी भी रिप्लेस कर दिए जाओगे जो इसमें आपसे अच्छा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल्स आप डेवलप करो कि व्हाट यू आर गुड एट. हर आदमी 5-10 अलग अलग डिफरेंट टाइप की स्किल्स में अच्छा काम करता है. तो यू टू स्टार्ट विद दैट. और उसमें से फिर आप देखिए, कई लोगों के पास स्किल होने के बाद में भी ऐसा नहीं कि वो हर स्किल को लव करते हैं, बिकॉज उन्होंने अपने प्रोफेशनल नीड के हिसाब से या किसी को देख के या इन्फ्लुएंस में आके कई स्किल सीख ली होती है. बट ऐसा जरूरी नहीं कि वो हर स्किल को लव करे. तो उसमें से शायद हो सकता है 2-4 चीज ऐसी हो जिसको वो लव करते हैं. जब उन 2-4 चीजों में से हम देखेंगे कि उसमें से कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी, दैट इज वर्ल्ड विल नीड. अगर नहीं है तो फाइंड आउट करो कुछ ना कुछ, बिकॉज दुनिया में तो बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. कौन से प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो अपनी स्किल के जरिए. हाँ, बट दैट विल बी, यस, वेरी ट्रू, दैट विल बी टेम्पररी. बट इश्यूज इतने हैं ना कि आज की तारीख में बहुत रिक्वायर्ड. You have to identify needs or how you can solve that issue, that need with your what you are good at and you love it. And of course, uska aapko paisa bhi milna chahiye. Jaise ki Amazon ka example. Paisa, haan, Amazon hai. Even aap bahut sari cheez, koi bhi cheez ko le sakte ho. Aap choti se choti cheezon ko bhi le sakte ho. Even I was reading a story of Abraham Lincoln. Abraham Lincoln जो है वो जब राष्ट्रपति बने, president बन गए US के, तो when he was there in a function, और वहाँ पे because he was from a very ordinary family, उनके उनके जो father थे वो shoes वगैरह बनाते थे, ऐसा था.
और उसी मीटिंग में एक जन आया हुआ था जो कोई बहुत अमीर घर से था, और उसने सोचा कि मैं अब्राहम लिंकन की बेइज्जती करता हूं करके, तो उसने सीधा बोला, मिस्टर प्रेसिडेंट, आज आप प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन आपको पता होगा आपके पास फादर जो है वो हमारे फैमिली के लिए, पहले तो क्या होता था ना, जैसे पूरे फैमिली के लिए काम करते थे, बार्टर सिस्टम वगैरह होता था, तो बोले आपका फादर हमारे फैमिली के लिए शूज बनाते थे। तो लोगों ने देखा इसने तो अब्राहम लिंकन की बेइज्जती कर दी करके, वाह। बट अब्राहम लिंकन जो है ना बहुत ही अच्छे थे, बहुत हम्बल थे, और उनका कम्युनिकेशन वगैरह ये सारी चीजें बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने सीधा उसको बोला, बोला यस आई नो दैट, और मेरे फादर वॉज नॉट ओनली अ नॉर्मल ऑर्डिनरी शू मेकर, ही वॉज अ आर्टिस्ट, वो उसको एक आर्ट की तरह बनाते थे, अपना पूरा दिलो जान उसमें झोंक के करते थे। और हो सकता है यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके परिवार का शूज हमने बनाए होंगे, और मैं ऐसा जानता हूँ कि शायद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर आपको कोई भी शिकायत है तो आप मुझसे बोल सकते हैं, क्योंकि मैं भी उनसे जूता बनाना सीखा हुआ है। तो इस तरह से वो अब्राहम लिंकन ने बोला, अगर आपकी कोई भी कंप्लेन है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, डोंट वरी अबाउट दिस, है ना, क्योंकि बोलता है बट मुझे ऐसा पता है कि शायद आपके पास वो कंप्लेन होगी नहीं, क्योंकि मैं मेरे फादर को जानता हूं कि उन्होंने जितने भी शूज बनाए उन्होंने उसको एक आर्ट की तरह बनाए, तो ये क्राफ्ट की तरह बनाए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपके इकीगाई होती है। तो इकीगाई के लिए ऐसा कुछ वो नहीं कि आप बहुत बड़ा कुछ वो करें, आप छोटी छोटी चीजों में भी इकीगाई, यू आर गुड एट इट, यू लव इट, वर्ल्ड नीड इट, यू गेट पेड फॉर इट, खाली ये चार चीजों को आपको देखना है। अब यही चीज जापानीज लोग अपनी लाइफ में लगाते हैं, और नॉट ओनली दिस, ये एक चीज है इकीगाई को वो फॉलो करते हैं। उसके अलावा जैसे अभी आप लोगों में से कुछ लोगों ने एक वर्ड यूज किया, आई एम रिटायर्ड, ये जो है ना ये आइडेंटिटी बहुत खराब आइडेंटिटी है। इन एनएलपी वी कॉल इट like self identity, you are not retired, आप वो काम नहीं कर रहे हैं। बट जैपनीज में रिटायरमेंट का ये जो ओकिनावा है वहां पे रिटायरमेंट नाम का वर्ड ही नहीं यूज कर, हाँ वो लोग रिटायरमेंट लेते ही नहीं है, 100 years का आदमी भी वहां पे काम कर रहा है एंड दे आर एक्टिव। तो वो जो चीज है उनको वो आगे हेल्दी लाइफ के लिए जीने के लिए काम कर रही है। अभी ये क्या ये एक ही चीज होती है क्या इकीगाई? नहीं, इट कैन बी मल्टीपल, इट कैन चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रीजन फॉर एग्जांपल, आप एक टाइपिस्ट थी, एग्जांपल ले रहा हूं, आज से अगर 20 साल पहले आप टाइपिस्ट थे, यू लव दैट, यू आर गुड एट इट, दैट टाइम वर्ल्ड वॉज नीडिंग, तो आपने उसको यू आर गेट पेड फॉर इट। बट अगर आज ये दोनों चीज कर रहे हैं आप, बट दुनिया को टाइपिस्ट की जरूरत है क्या? वो लोग टाइपिंग की जरूरत नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो गया? तो वो हो गया, तो अभी उसको आपको हाँ आपको कंप्यूटर पे टाइप करना पड़ेगा, या उसी चीज को और कुछ चीज में आपको कन्वर्ट करा कर, तो आपको न्यू इकीगाई फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दिस इज समथिंग कि भाई ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को फिक्स लेके बैठ गए कि नहीं मेरा यही पैशन है। और अगर आपका पैशन है भी तो इस पे आपको हमेशा काम करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई और आएगा जो आपसे ज्यादा पैशनेट होगा, आपसे ज्यादा स्किलफुल होगा, तो वो आपको रिप्लेस करेगा। बेस्ट एग्जांपल है अपने मुंबई के ही दो क्रिकेटर थे, सचिन तेंदुलकर एंड वन मोर, हाँ एग्जैक्टली, हाँ अभी दोनों ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, बोथ वेर वेरी गुड एंड आई रेस्पेक्ट बोथ, मैं दोनों को बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। लेकिन क्या हुआ, एक टाइम देखोगे स्कूल टाइम के रिकॉर्ड्स देखोगे तो कामली वाज बेटर देन सचिन तेंदुलकर, बट व्हाट हैपेंड,
over a period of time, somewhere he missed his edge. कहीं ना कहीं उसने कुछ इस चीज को पे ऊपर बहुत ज्यादा शायद काम नहीं किया और कोई और आके उसको ओवरटेक कर दिया. तो दिस इज व्हाट हैपेंस. ऐसा नहीं कि उसको पैशन नहीं रहा होगा. उस एज में उन लोगों ने इतने रिकॉर्ड बनाए थे तो डेफिनेटली पैशनेट तो थे, बट पैशनेट के साथ में आपको उस पर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी होना चाहिए. तो दैट इज इकिगाई. और यहां पे अभी आपको और चीज करना है, आपको इसके ऊपर आपको अभी करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक लिस्ट ऑफ व्हाट यू आर गुड एट. देन उसमें से एक दो चीजें ऐसी होगी जिसको यू लव इट एंड वर्ल्ड नीड इट एंड यू विल गेट पेड फॉर इट. तो ये चारों चीजों को आप फाइंड आउट करिए. अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो भी आप अलर्ट रहिए और उस कि भाई आपको ध्यान रखिए. और बेस्ट वे एक और तरीका मैं बताता हूं जो मैंने खुद में ऑब्जर्व किया है या एक बहुत अच्छे ट्रेनर ने बोला है कि आप अपनी एनर्जी को खाली ऑब्जर्व करो. बिकॉज देयर आर सम वर्क आप कितने थके हुए भी होंगे और वो काम करने के बाद में आप एनर्जेटिक हो जाते हो. तो वो एनर्जी आपको कौन से काम करने से आपको एनर्जी आती है और कौन से काम करने से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है. तो जिसको करने से आपकी एनर्जी आ रही है यानी वो काम एक तो आप उसको अच्छे से कर लोगे अगर लंबा टाइम भी करना है तो. दूसरी चीज डेफिनेटली यू लव दैट. अब उसको देखो कि उसमें से क्या आप इश्यू उनके सॉल्व कर सकते हो एंड व्हाट यू विल पेड फॉर इट. अब अगर ये नहीं हो रहा है तो क्या चाहिए. अगर हमको पेमेंट नहीं मिल रहा है, अगर हम ये काम कर रहे हैं और पेमेंट नहीं मिल रहा है तो व्हाट वी नीड. Then we did sales and marketing. हाँ, हम अपने आप को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए नहीं हो रहा. बाकी हमारे जैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो पैसे बना रहे हैं तो हमको अपने आप को प्रमोशन सीखना पड़ेगा या तो we have to hire somebody who promote our services so we can get paid for it. तो this is something ikigai. अब ikigai को आने उसके बाद में आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, that is called वरी. जैपनीज लोग है ना, वो लोग बोलते हैं हम लोग चिंता नहीं करते. दे लिव इन प्रेजेंट, दे लिव इन नाउ. ऑथर जो जिन्होंने काफी रिसर्च किया है इसके ऊपर, उन्होंने एक चीज बोली है कि उन्होंने जब इंटरव्यू लिया 100 से ज्यादा लोगों का तो उन्होंने एक चीज सब में कॉमन पाई गई, दैट इज वरी. वो कुछ भी वरी नहीं करते, दे लिव इन प्रेजेंट. और हमारे हिंदी में एक कहावत है कि चिता जलावे निर्जीव को और चिंता जीव समेत. चिता जो है वो निर्जीव को, मतलब डेड बॉडी रहती है उसमें, उसको निर्जीव को जला रही है, बट चिंता जो है वो हमको जीव के साथ में जलाती रहती है. तो अगेन वो स्ट्रेस जो हमारे लाइफ में क्रिएट हो रहा है वरी की वजह से, वही चीजें हमारे को अंदर अंदर जलाती रहती है. अब उसमें से कई चीजें होती है, आप स्ट्रेस की वजह से धीरे धीरे फिर आदमी को अगर समझो टेम्परेरी है तो स्ट्रेस का इफेक्ट होता है, कुछ इफेक्ट होते हैं जो टेम्परेरी होती है, लेकिन अगर वही चीज हमारी कंटिन्यू रहे तो फिर वो हमको आने वाले टाइम में बहुत तकलीफ दे देते हैं. आज जैसे हम लोग देखते हैं ना, कई बार कोई काम करने के बाद में हमारा थोड़ा सर दुखने लग जाता है या शरीर में थोड़ा सा अकड़न से महसूस होती है सब, तो ये क्या होता है, ये टेम्परेरी स्ट्रेस होता है. अभी हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है कि ऊपर वाले ने हमको इतने सारे चीजें बेची कि वो अपने आप इस चीज को ठीक कर लेती है, लेकिन अगर यही चीज हमारी बार बार कंटिन्यू हो रही है तो फिर वो लॉन्ग टर्म हमारी डिसीज में कन्वर्ट हो जाती है. तब फिर क्या होना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, फिर उससे और ज्यादा गए तो बीपी, हार्ट डिसीज, ये सारी चीजें. तो इनका मूल जो है वो क्या है, स्ट्रेस. अब अगर हम वो ऐसा काम करेंगे जिसमें हम बहुत अच्छे हैं, जिसको हम प्यार भी करते हैं, जिसके लिए दुनिया के हम कोई ना कोई इश्यू सॉल्व भी करते हैं, तो हमको वहां से दुआएं भी मिलेगी, पैसे उसके अलावा हमको पैसे भी मिलेंगे. अगर ये चारों चीजें मिलेगी तो स्ट्रेस रहेगा क्या लाइफ में, नहीं. तो ये स्ट्रेस धीरे धीरे आप जब इकिगाई को फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ से स्ट्रेस गायब हो गया, और स्ट्रेस गायब हो गया तो आप लंबा जीवन जीते हैं. उसके अलावा जो खाने के ऊपर, फूड, जैपनीज लोग वेरी
कॉन्शियस अबाउट फूड. वो लोग दिन का 200 से 250 न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वेयरएज हम लोग स्वाद के पीछे भागते हैं. वो लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स खाते हैं. अभी ऐसा कहा गया कि मिनिमम 5 डिफरेंट कलर के आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, बट हाउ मेनी ऑफ अस रेगुलरली डू दैट? बहुत कम लोग. तो वो जो चीज है उसको आपको खाना चाहिए. और जैसे मैंने पहले कहा था ना, संतोष ही सदा सुखी, तो आपको खाने में संतोष करना बहुत जरूरी है. इकिगाई को जो फॉलो करते हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा बोला है कि आपको अपने खाने का 80% खाना, मतलब जब आपकी भूख लगी है, जब आपको लगे 80% फिल हो गया है, तो आपको खाना बंद कर देना चाहिए. उससे आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफी अच्छा रहेगा, बहुत ही हेल्दी रहेगा. एंड देन वन मोर थिंग इज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्टिव माइंड एंड हम लोग होता क्या है, 60 साल तक काम किए, बहुत मेहनत करी, फिर हमारे को एक टैग लग जाता है रिटायर्ड. उसके बाद में क्या हो जाता है, ये धीरे धीरे बंद हो जाता है. कहीं हम अपना माइंड के जो को अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, कहीं उसकी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कुछ नया सीख ही नहीं रहते हैं. तो वो लोग क्या कर रहे हैं, दे लर्न न्यू थिंग्स, कुछ ना कुछ नया करते हैं. अभी हमने क्या किया, हमने लास्ट टाइम से अगर पूछे अभी तक पिछले 10 सालों में, अगर रिटायरमेंट के बाद में कुछ लोगों ने कुछ नई बुक पढ़ना या कुछ नया सीखना कुछ नहीं किया, अब क्या सीखेंगे, अब बहुत कुछ हो गया. तो ये जो चीज होती है वो धीरे धीरे हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो डोरमेंट होते चले जाते हैं. दैट्स वाई अल्जाइमर, डिमेंशिया, इस तरह के चैलेंजेस आते हैं. एंड देन बॉडी का मूवमेंट बिल्कुल बंद कर देते हैं कई लोग. अब कहीं जाना जाना नहीं, कहीं कुछ करना नहीं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पीपल दिस इज. अभी मैं एक पढ़ रहा था एक स्टेटमेंट, इट वॉज वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, कि जब भी आदमी डिप्रेशन में जाता है तो लोग उसको क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल पे, मेंटल उस पर काम करें एंड फिजिकल उस पर काम करें. बट दैट स्टेटमेंट वॉज वेरी पावरफुल. और उसमें बोला था कि आपका जो फिजिकल वर्क है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू कैन डू. अगर आप अपने बॉडी को मूव करना शुरू कर देते हो, बॉडी का मूवमेंट आप चालू कर देते हैं, तो आप देखोगे कि एक टाइम के बाद में आपका डिप्रेशन गायब हो जाता है. मूवमेंट इज मेडिसिन, वेरी गुड स्टेटमेंट. मूवमेंट इज मेडिसिन. अब लोग क्या करते हैं, बोले थोड़ा सा तनाव कम हो गया तो मेडिटेशन में बैठते हैं. बट वो मेडिटेशन बैठने, अगर अंदर चिंता चल रही है और उस समय आप मेडिटेशन में बैठोगे तो मेडिटेशन काम नहीं करेगा. तो उस समय आपको अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखना है. मूवमेंट के लिए क्या बहुत तेज दौड़ना है? नहीं, बट आपके नियर बाई प्लेस है, कोई गार्डन है या सम गुड प्लेसेस दैट है, आप जाके वहां पे मूवमेंट करें. एक फिक्स बॉडी का मूवमेंट आपको रखना, योगा है वो आपको करना चाहिए. उससे आप जब करते हैं तो आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, आपके न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए. दूसरा, आपको कुछ ब्रेन के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए. एक बेस्ट एक्सरसाइज मैं बताता हूँ, कहीं भी चलते हो ना, आपके जेब में कॉइन्स होएंगे, नहीं है तो रखो, और आप खाली उसको ट्राई टू फाइंड इट आउट बिना देखे कि कितने का कॉइन है. क्योंकि हो क्या रहा है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, रिटायरमेंट के बाद में, हम बहुत रूटीन लाइफ में चले जाते हैं और हम ब्रेन के नर्व्स जो न्यूरॉन्स है उनको यूज ही नहीं कर रहे हैं कुछ नई एक्टिविटी के लिए. ट्राई टू फाइंड आउट उसके एज के देख के या ये देख के कि ये 5 रुपए का कॉइन है या 10 रुपए का है या 2 रुपए का है या 1 रुपए का. तो उससे क्या होगा, ब्रेन के न्यूरॉन्स को थोड़ा सा एक एक्सरसाइज मिलेगा. ट्राई सम मेंटल कैलकुलेशंस, आपको कुछ ना कुछ मेंटल कैलकुलेशन करते रहना चाहिए. आप लिख लो कि 3 डिजिट के कुछ लिख लो, उसमें +3 +3 +3 अगर मैं 3 बार करूंगा तो कितना होएगा, और अगर उसमें -5 -5 -5 3 बार करूंगा तो क्या होगा. एंड देन ट्राई दैट मेंटल कैलकुलेशन, उससे क्या होगा, आपके न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे. क्रॉसवर्ड्स, यस, यू कैन ट्राई टू सॉल्व सम क्रॉसवर्ड्स, सुडोकू. देन बेस्ट थिंग इज कराओके. हमारे फ्रेंड ने
बहुत अच्छा है, इज ऑलवेज एक्टिव, 70 प्लस एज है उनकी, लेकिन इज ऑलवेज एक्टिव, एकदम भागदौड़ करते रहते हैं. रीजन है ही लव म्यूजिक, उन्होंने घर पे अपने पूरा सिस्टम लगा के रखा है एंड ही इनवाइट पीपल घर पे, वो सबको गाने के लिए बोलते हैं, खुद भी गाते हैं, उसके बाद में यूट्यूब पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, एंड ही इज वेरी एक्टिव इन ऑल. तो इसीलिए मैंने ये चीज देखा कि उनके चेहरे पे हमेशा खुशी रहती है, इज ऑलवेज स्माइलिंग, इज ऑलवेज एनर्जेटिक. तो ये चीजें आप जब करते हो तो आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं. एंड नेवर यूज दिस वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट, इट इज रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस. हाँ, रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, तो आप यू आर नाउ, अभी आपके पास यू हैव, यू कैन चूज अ बेटर पर्पस, नॉट फ्रॉम वर्क, नॉट फ्रॉम लाइफ. यस, प्रॉब्लम कम होता है, कोई पूछता है, तो बोलता है आई एम रिटायर्ड. वहां जो वर्ड यूज, आई एम जो है ना, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बताता हूँ, ये जो वर्ड है ना, दिस इज वेरी पावरफुल वर्ड. दुनिया के दो सबसे ज्यादा शक्तिशाली वर्ड है वो ये है, दिस क्रिएट्स योर आइडेंटिटी. ये आपका सेल्फ इमेज को क्रिएट कर रहे हैं. आप अपने अंदर क्या लेके रखे हैं, अपने आप को कैसे देख रहे हैं, दैट इज ये आई एम. अब इसके बाद में आप क्या भर रहे हैं, व्हाट यू आर टेलिंग, मैं क्या हूं, मैं रिटायर्ड हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं थक गया हूं, या मैं रिटायर हो गया हूं, इस तरह, या मैं बीमार हूं. दिस ऑल आर, यू कैन बी सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज बट यू आर नॉट डायबिटिक. आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज इज डिफरेंट एंड आई एम डायबिटिक इज डिफरेंट. तो डोंट क्रिएट दैट काइंड ऑफ आइडेंटिटी. और सबसे बड़ी बात जो हमने बताए थे सात सुखों में, जैपनीज लोग उस चीज को भी फॉलो करते हैं, एक सुख है मित्र गनेरे, बहुत सारे फ्रेंड्स, सोशल. हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने आप को एक कुकून में बांध लेते हैं, अपने आप को एकदम बोलते हैं अलूफ हो जाते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं. वो नहीं करना, कम आउट, मीट न्यू पीपल, लोगों से मिलो, नई नई उनकी बातों से करो, नई चीजें सीखो. एंड आपको पता होगा राजस्थान में मैं जैसे पहले जाता था तो वहां पे बहुत अच्छी चीजें देखता था कि सब लोग अपने अपने काम से आने के बाद शाम को एक जो पेड़ के नीचे बोलते हैं ना, चौक बोलते हैं, वहां पे चौक पे जमा होते हैं, और वहां पे जैसे अपना चेस वगैरह होता है ना, उस तरह के गेम होते हैं, चौसर बोलते थे उसको, या चौपड़ भी बोलते हैं कुछ लोग, हाँ उस तरह के गेम लोग खेलते थे. अब वो चीज में क्या होता है, अभी चेस जैसे हो गया या अपना लूडो वगैरह हो गया, इस तरह के गेम्स खेलते, तो उसमें क्या हो गया, आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना पड़ता है, या इवन कार्ड्स जिसमें भी आपको स्ट्रेटेजी प्लानिंग सारी चीजें करनी पड़ती है. तो ये जो चीजें करते थे वो लोग, उसकी वजह से क्या होता था, उनका ब्रेन सेल्स हमेशा एक्टिव रहता था. इसीलिए आपने देखा होगा राजस्थान वगैरह में, मैं जैसे देखता था, या नॉर्थ में, इवन कहीं भी जाओ, जो पुराने लोग हैं, जिनके पास पुराने अपने फ्रेंड्स हैं, वो लोग सारे फ्रेंड्स लगभग एक पर्टिकुलर एज तक ही जीते हैं. मतलब ऐसा जल्दी नहीं हो, बहुत रेयर ऐसे होंगे कि कोई फ्रेंड्स बहुत जल्दी उम्र में चले गए, अदरवाइज जहां पे जो लोग 90 की उम्र में जीते थे तो उनके फ्रेंड्स भी उनके आसपास में रहते थे. रीजन क्या था कि उनको वो फ्रेंड्स मिलते थे, अपने बातें वो लोग कर लेते थे, मन हल्का हो जाता था. दे यूज टू प्ले, हमारे यहाँ पे मैंने 60-60 साल लोगों को वॉलीबॉल, फुटबॉल, वो सब खेलते हुए देखा है. तो वो सारी चीजें जब करते हैं तो उनका वो स्ट्रेस लेवल, यस दे हेल्प ईच अदर. हाँ, अच्छा, तो वो जो चीजें हैं वो बहुत जरूरी है. आपके पास वैसे फ्रेंड्स होने चाहिए और आप उनके साथ में हंसे, आप ठहाके मार के हंसने चाहिए. अभी आप सोच के देखिए कि लास्ट टाइम आपने ठहाके मार के कब हंसा था. जिंदगी में आपको मैं एक चीज बोलता हूं, आप ये 3-4 काम कर लो, अपनी बॉडी को मूव करो और ठहाके मार के हंसो. जब भी हंसना है ना, ठहाके मार के हंसो. ये मत सोचे कि कोई क्या सोचेगा या कोई क्या बोलेगा, क्योंकि जिंदगी में एक बोलते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो उससे आपको हमेशा बचना है, ठहा के मार के हंसना है. कैन वी ट्राई वन टाइम? हाँ ठीक है. हाँ हाँ हाँ, यस,
देखो ठहाके मारने को भी नहीं हो रहा है, कई लोग अटक रहे हैं, ठहाके मार मार के हंसो। अगर आप रोज खाली दो मिनट ऐसे करके आप दिन में 4-5 बार सिर्फ ठहाके मार के बसो, आपकी उम्र देखो 10 साल कम हो जाएगी। उम्र मतलब जो दिखने वाली उम्र है ना, और आप आपकी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। हाँ, मतलब जो एज दिख रही है वो 10 साल कम हो जाएगी और जीने की उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको मैं यही बोलूँगा कि वर्क ऑन योर इकिगाई और अपनी इकिगाई पे काम कीजिए, अपने को जो सबसे अच्छा लग रहा है, अपनी स्किल्स पे काम कीजिए, जिसको आप लव करते हैं ऐसी चीज पे काम कीजिए, आप उससे दुनिया का क्या इश्यू सॉल्व कर सकते हो कीजिए, एंड जो जहाँ आपको पेमेंट मिल जाए, पैसा मिले, ऐसे काम कीजिए। क्योंकि मेरे एक मेंटर ने बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि पर्पस ऑफ योर लाइफ इज योर ग्रोथ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। जीवन में ग्रोथ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट ओनली ग्रोथ, नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन। कि हम खाली समाज सेवा में लगे रहेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, और सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते रहेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो आप अपनी ग्रोथ पे भी काम कीजिए और अपने अपनी ग्रोथ के साथ साथ आप सोसाइटी में क्या आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस पर भी काम कीजिए। होप आपने आज की टॉक को एंजॉय किया होगा, एंड हम मिलते रहेंगे इसी तरह से। थैंक यू वेरी मच।